Hello my viewers, welcome back to Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to understand about most important 300 questions part 11. It is going to be one of the most important class. Why? Because in this class I'm going to cover your topic continuity and differentiation. Maine question aise choose kare hai beta jisse aapka aur jo aapke concepts hai wo enhance ho sake, aap usse kuch seekh ke ja sake. Today the question of level, the level of questions are quite high. So yes, you have to be very much alert to understand the level which I have bring today. And yes, it is going to be difficult question. So please just be very much alert while watching this video. Let's not waste time. Let's come together and let's understand this question. So they are, consider the function f such that 0, 2 tends to r defined by fx equals to x by 2 plus 2 by x and the function gx defined by this. And these were the option that was given over there. First of all, we have to work over here. That is, what is this min ft? यहाँ पे क्या आना चाहिए? Let's work on it. We basically have to obtain the minimum value for your gx in terms of ft, where t tends from 0 to x and x is from 0 to 1. सबसे पहले मुझे यहाँ पे work करना है बेटा. इस interval पे work करने के लिए क्या मुझे पहले अपना एफ एक्स जो मेरे पास आया, क्या मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा? येस, बिकॉज मुझे मिनिमम निकालना है एफ टी का ही. सो आई जस्ट रोट इट डाउन एज इट इज. पहले मैं अपना एफ डैश एक्स निकालती हूँ. सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बेटा? दैट वुड बी 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. अगर मैं इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दूँ, सो आई वुड गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर. सो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर. ओके, ये आ गया मेरे पास. दैट मीन्स जो मेरे पास फंक्शंस है वो माइनस 2 से लेकर 2 है, और अपॉन में भी 2 है तो 1 बच जाएगा. ठीक है, सो माइनस 1 से 1. लेट्स एग्जामिन कि फंक्शन मेरा कैसे मूव हो रहा है. तो अगर मैं यहाँ से कोई छोटी वाली मूव करती हूँ माइनस 2, सो यहाँ पे नेगेटिव. लेट्स टेक माइनस 3. सो नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा. ये भी पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है मतलब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. ठीक है जी. आई हैव टू ऑप्टेन द मिनिमम वैल्यू. नाउ टू ऑप्टेन द मिनिमम वैल्यू वी हैव टू नो दैट कि मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब मेरा ग्राफ कुछ ऐसे मूविंग होगा, डिक्रीजिंग है ना, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, मतलब कि इस वाली वैल्यू पे मेरे जो है, दैट मीन्स अपर लिमिट पे जो मेरा वैल्यू है वो क्या होगा? मिनिमम होगा इस सिचुएशन के अंदर. तो अपर लिमिट का मतलब बच्चा, इस एक्स पे मेरे पास मेरा जो आंसर होगा वो मिनिमम आएगा. दैट मीन्स कि मेरा आंसर जब 1 पर होगा वो क्या होगा? मिनिमम आएगा. सो एट दैट पॉइंट आई कैन जस्ट डिफाइन माई जी एक्स एस एक्स बाय 2 प्लस 2 बाय एक्स, वेयर मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा? मेरा एक्स ट्रैवल करेगा फ्रॉम 0 टू 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1. ठीक है, और ये तो बेटा सेम रहना ही रहना था. इसमें तो देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि कैसे सोचना था. ये आ गया मेरे पास. अब मुझसे फंक्शन पूछ रहा है कि वेदर जी, ओके जी इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस डिफरेंशियबल. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ से देखती हूँ अपना आंसर, सो फॉर कंटिन्यूटी है ना, सो फॉर कंटिन्यूटी तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर मैं यहाँ पे 1 पे एक कॉमन पॉइंट है, 1 पुट कर दो, सो 1 और 1, तो 1/2 प्लस 2 दैट इज 5/2, और 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2, 5/2, 5/2. तो फंक्शन तो मेरा क्या है? फंक्शन मेरा कंटिन्यूस बिल्कुल है. वर्क करना है डिफरेंशियबिलिटी पे. डिफरेंशियबिलिटी पे क्या चेक करेंगे कि f डैश और f डैश समथिंग माइनस और f डैश समथिंग प्लस डिफरेंशियबल है या नहीं है. हमें किस पे चेक करना है डिफरेंशियबल? बेसिकली हमें 1 पे चेक करना है. सो चेक करते हैं f डैश 1 माइनस एंड f डैश 1 प्लस पे क्या आंसर रहेगा मेरे पास, है ना. 1 माइनस पे ये फंक्शन है मेरे पास. अगर मैं ढंग से अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ तो बेटा 1 माइनस पे लेट्स टेक एनी रैंडम. ओके, पहले तो f डैश निकालते हैं. f डैश मेरा यही आएगा उस पर. अगर मैं 1 माइनस पे अपना जज करूँ, सो इट इज़ गोइंग टू बी माई 1/2 माइनस 2. तो इसको सॉल्व कर दूंगी तो मेरे पास आएगा माइनस 3/2. ओके, और f डैश 1 प्लस पे तो ये वाला फंक्शन है. यहाँ पे अगर मैं कुछ अपना जज करती हूँ, सो यहाँ 3/2, यस यहाँ से 3/2 बचेगा मेरे पास सिर्फ. सो यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, सो इट्स नॉट पॉसिबल. दोनों सेम आने चाहिए थे. सो व्हाट विल आई से इट? आई विल जस्ट सिंपली से दैट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल. दैट्स इट. आई वुड जस्ट से दैट माई फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल.
That means which option is going to be correct? G is continuous but not differentiable. That means your option number A is the absolutely correct answer for this question. Simple tha. लेकिन हाँ, मिनिमम एफ टी पे वर्क करना काफ़ी ज़रूरी था. अगर वो करना नहीं आएगा, बिलीव में आप क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज मी, लेट जी एक्स बी अ लीनियर फंक्शन वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स. सो जी एक्स लीनियर फंक्शन है, मतलब किस फॉर्म का है? ए एक्स प्लस बी फॉर्म का है. एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो एंड वन बाय टू. ओके, वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो इज कंटिन्यूस. ओके, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, मतलब कि कहीं ना कहीं वी कैन से दैट जो मेरी लिमिट है फंक्शन की, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये पॉसिबल है. अगर मैं इसके ऊपर बेटा बात करूँ, सो मेरे पास क्या आएगा, जीरो माइनस में लेट्स टेक दिस कंडीशन. सो मेरे पास यहाँ से सिर्फ ए आएगा एंड सॉरी, मेरे पास यहाँ से सिर्फ बी आएगा, सॉरी बी आएगा, एंड दैट बी वुड बी इक्वल टू दिस. यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आएगा वन बाय टू की पावर, दैट वुड बी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी वन बाय टू की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स बी तो सॉर्ट है, बी तो मेरे पास मेरा जीरो आ गया, नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर ऑन. अब मुझे एक कंडीशन गिविन थी, दैट इज एफ डैश वन इज इक्वल्स टू एफ डैश माइनस वन. हाउ टू वर्क ओवर दिस, जस्ट थिंक बच्चा, एफ डैश वन का मतलब है कि मुझे कहीं ना कहीं अपना फंक्शन यहाँ पर देखना पड़ेगा, और एफ डैश माइनस वन का मतलब मुझे अपना फंक्शन यहाँ देखना पड़ेगा. तो पहले एफ डैश वन पर काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. इसका डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे निकलेगा देखते हैं यहाँ पर. सो वन बाय टू बींग, मैं इसको कॉन्स्टेंट लेकर चली, तो वन बाय टू, देन फिर वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स माइनस वन, ये आ गया पहले मेरे पास. ठीक है, इन टू में इसका भी करेंगे. सो क्या आएगा, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर. उसके बाद मुझे पता है बच्चा, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ढंग से एग्जामिन करूँगी, सो इट इज़ गोइंग टू बी वन. क्लियर, ये आ गया. नाउ आई हैव प्लस में आएगा, जब मेरे पास ये ए एक्स की फॉर्म होगा तब कैसे होगा. ये तो हो गया मेरे पास जब मैंने अपनी पावर का डेरिवेटिव किया बेसिकली. नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर माई ए की पावर एक्स. जब ए की पावर एक्स हो तब कैसा डेरिवेटिव होता है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी ए की पावर एक्स, दैट इज़ वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स की होल पावर वन अपॉन एक्स, देन इट वुड बी लॉग वन बाय एक्स. करेक्ट, फिर आ गया मेरे पास लॉग वन बाय एक्स इन टू, सॉरी दैट इज लॉग ए, सॉरी मैं चल भूल गई हूँ. ए की पावर एक्स का जो डेरीवेटिव होगा बच्चा, इट वुड बी ए की पावर एक्स लॉग ए. सो लॉग ए क्या है, लॉग है ए है मेरे पास वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स, ये आ गया. इन टू में क्या आएगा, इन टू में वन अपॉन एक्स का डेरीवेटिव, दैट इज गोइंग टू बी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया. ठीक है, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू एफ डैश माइनस वन. एफ डैश माइनस वन क्या आएगा बच्चा, एफ डैश, डैश का मतलब ए, एफ डैश ए आ गया, माइनस वन में भी ए ही रहेगा. क्लियर है, यहाँ पे मेरे पास ए आ गया. और यहाँ पे मुझे पुट क्या करना है, आई जस्ट हैव टू पुट दिस ऑल ओवर माई एक्स इक्वल्स टू वन. क्लियर है, मैं अपने जब सिंप्लीफाई करूँगी एंड आई विल पुट माई एक्स इक्वल्स टू वन, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, टू बाय थ्री लॉग टू बाय थ्री माइनस वन अपॉन नाइन इज इक्वल्स टू ए, ये आ गया बेटा मेरे पास. ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लेना तो आपको यही मिलने वाला है, सिंस मेरे पास वन आएगा. ठीक है ना, ये आया मेरे पास बच्चा. नाउ जस्ट एग्जामिन समथिंग, दैट इज जब मैं इसको बस सिंप्लीफाई करना है, मुझे ए की बेसिकली वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से ताकि मैं यहाँ पुट कर सकूँ. सो माई ए इज गोइंग टू बी ओके समथिंग, ओके दिस इज माई ए. आगे सिंप्लीफाई नहीं करते, सिंपल रखते हैं इसको. तो मुझे पता है जो मेरा जी एक्स आया वो किस फॉर्म में आया बेटा, इट इज़ इन द फॉर्म टू बाय थ्री लॉग टू बाय थ्री माइनस वन अपॉन नाइन इंटू एक्स, ये पूरा क्या है इंटू एक्स प्लस जीरो, ये आ गया. जी थ्री निकालना है, कुछ मत करो, एक्स जगह थ्री रख दो. सो क्या बचेगा, टू लॉग टू बाय थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, और ये उठा के मेरे पास मेरा आंसर आ गया. इट वॉज ऑल्सो सिंपल, बट हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करना आना बहुत ज़रूरी था. अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता तो प्लीज़ बिलीव मी, क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा ही नहीं. क्वेश्चन आपके हाथ से कब निकल जाए आप सोच भी नहीं सकते.
to differentiate a की पावर x एंड टू डिफरेंशिएट समथिंग की पावर कांस्टेंट. ये दो एक कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने अपना सम लगाया एंड अपना सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया. ये थोड़ा डिफिकल्ट था डिफरेंशिएट करना. इसके अलावा द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज सिंपल, क्वाइट सिंपल. मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज मी दैट कंसिडर द फंक्शन एफ सच दैट 0, ∞ टेंस टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ई माइनस लॉग ई एक्स. If m and n are respectively the numbers of point at which f is not continuous and f is not differentiable, then m plus n is. Okay, ये भी थोड़ा ये सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो. पहले एफ एक्स डिफाइन कर लेते हैं इस पर अपना. पहले पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, e log x when your x is from 0 to 1 and when your x is greater than equals to 1, it's going to be your e minus log x. ठीक है, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ जाएगा x 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड यहाँ से आएगा माइनस 1 अपॉन x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये आ गया मेरे पास दो चीज़ें. अब एक चीज़ बेटा यहाँ पे ढंग से ऑब्जर्व करो, मुझे इसका डायग्राम देखना पड़ेगा कि इसका डायग्राम पहले क्या बनेगा. तो मुझे पता है फॉर 1 f and m बी रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशियबल. तो फंक्शन ना तो कंटिन्यूस है और ना ही डिफरेंशियबल है, और m और n क्या है, वही पॉइंट्स है. m वो पॉइंट जो कंटिन्यूस नहीं है और n वो पॉइंट जो डिफरेंशियबल नहीं है. तो देखो पहले x कैसे डायग्राम होगा. x पहले ऐसे बनेगा, फिर माइनस वन अपॉन x मेरा ऐसे बनेगा. ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट पे ही जो मेरा फंक्शन होगा ना ही तो वो कंटिन्यूस होगा ना ही वो डिफरेंशियबल होगा. तो m भी क्या है, 1 है. n भी क्या है, 1 है. मतलब कि m प्लस n क्या है, m प्लस n 2 है. सिंपल आंसर इज फिनिश. एंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन वेरी 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 नाइसली. लेट f such that r tends to r be defined by fx equals to a minus b cos 2x upon x square when x is less than 0 and x square plus cx plus 2 0 less than equals to x less than equals to 1 and 2x plus 1 when x is greater than 1. fx is continuous everywhere. fx har jagah continuous hai, theek hai. m is the number of points where f is not differentiable, then m plus a plus b plus b, m plus a plus b plus c is equals to. बेटा देखो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है. मतलब कंटिन्यूस है इसका मतलब है कि एफ वन माइनस इज इक्वल्स टू एफ वन प्लस. एग्जामिन करते हैं. वन माइनस का मतलब है ये. तो वन माइनस पे क्या बचेगा यहाँ से मेरे पास, सी प्लस टू बचेगा सिंपल अपना. सॉरी वन प्लस सी प्लस टू, वन प्लस सी प्लस टू. और वन प्लस पे क्या बचेगा, ये दैट वुड बी योर टू प्लस वन थ्री. सिंप्लीफाई कर दो इसको तो थ्री और थ्री कैंसिल. तो सी क्या आ गया, जीरो आ गया. जब मेरे पास c मेरा 0 है बेटा तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आई कैन जस्ट सब्सटीट्यूट इट एज, यहाँ मैं लिख सकती हूँ अपना वेरी सिंपल आंसर x स्क्वायर प्लस 2 फॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1. ये बच गया. ठीक है, ये आ गया बेटा. अब यहाँ से एक चीज़ हम बहुत अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं क्या, कि अगर अब मैं देखूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में मेरे पास क्या है, 0 माइनस में मेरे पास है a माइनस बी कॉस 2x अपॉन x स्क्वायर. और ये किसके इक्वल होगा, ये जी जीरो है ये भी जीरो है, तो किसके इक्वल हो सकता है बच्चा, ये इक्वल हो जाएगा फॉर माई लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर प्लस 2, है ना. 0 प्लस में सिर्फ मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा. क्लियर है बेटा. उठा के ना इसको एक्सपैंड कर दो cos 2x को, फिर देखो कि b की क्या वैल्यू आएगी या a की क्या वैल्यू आएगी. लेट्स वर्क ऑन दिस. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a माइनस b यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट वुड बी 1 माइनस 4 x स्क्वायर अपॉन 2. मैंने कहा था जब भी नीचे x स्क्वायर हो तो हाईएस्ट पावर भी स्क्वायर तक लेके जाया करो, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है. या सो फ्रॉम हेयर इफ यू जस्ट सी वेरी केयरफुली बेटा व्हाट आई हैव. सबसे पहले मेरे पास जो कॉन्स्टेंट पार्ट है वो 0 होना चाहिए. सो आई विल हैव a माइनस b इज इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, ये तो मेरा कांस्टेंट आ गया 0. एंड आई हैव वन मोर थिंग दैट इज जो लेफ्ट ओवर पार्ट था वो क्या था, 2 और 2 कट गया. सो इट वुड बी 2 माइनस माइनस बी कैंसिल. सो 2b एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. एक्स स्क्वायर कैंसिल और 2 और 2 भी कैंसिल. तो मेरे पास b 1 आ गया. जब मेरे पास b 1 है तो a भी क्या आ जाएगा, a भी मेरे पास 1 आ जाएगा. मतलब कि इन शॉर्ट आई हैव सर्टेन वैल्यू नाउ.
I have the value that my a is equals to 1, my b is equals to 1 and my c is equals to 0. ये तीनों मेरे पास आ गए हैं. I just have to work on my this m. बच्चे अगर आपको सिर्फ m पे ही काम करना है अभी के लिए, so can you just take your function in a simplified manner? That means मेरा function क्या बन जाएगा यहाँ से. I would just say f x is equals to, put the value basically. So यहाँ से आएगा 1 minus cos 2x over x square, x less than 0. यहाँ से तो मेरे पास बहुत सिंपल था, x square plus 2 for 0 less than equals to x less than equals to 1. एंड यहाँ से था 2x plus 1 x greater than 1. ये बन गया मेरा फंक्शन. अब कहीं ना कहीं मुझे पता है 1 minus cos 2x क्या होता है बेटा. इट इज़ योर 2 sin square x. ठीक है, cos 2x क्या होता है. cos 2x बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है. दैट इज cos 2x वुड बी इक्वल्स टू योर 1 minus 2 sin square x. सो बस शिफ्ट किया मैंने तो आई गॉट 1 minus cos 2x as 2 sin square x. उठा के इसको डेरिवेटिव कर दो, f डैश x निकाल लो. f डैश x क्या आ जाएगा, सॉरी f डैश x अगर मैं यहाँ से ढंग से ऑब्जर्व करूँगी, सो आई एम सिंपली गोइंग टू गेट इट एज ओके. सो ओके x की पावर 4 यहाँ से आएगा मेरे पास x square as it is. यहाँ से क्या आएगा बच्चा 2 as it is. सो 2 sin x cos x that is sin 2x, 2 sin 2x माइनस में क्या आ जाएगा, इट वुड बी 2x एंड 2 sin square x. ये आ गया ठीक है. फॉर योर x लेस देन 0 यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इट वुड बी 2x फॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1. और यहाँ पे मेरे पास सिंपल 2 बनेगा फॉर x ग्रेटर देन 1. ये आ गया. नाउ आई नो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस को तो हटा दो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है मेरा. लेट्स यूज द सिंपल डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी. दैट इज व्हाट इज f डैश 0 माइनस, यूज द फॉर्मूला दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h. इसको यूज करेंगे और आंसर ऑब्टेन करेंगे बेसिकली. यहाँ पे सॉरी मेरा थैंक यू वाला बोर्ड आ रहा है, बट येस आई नीड टू सॉल्व दिस आउट बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं बचा है और कोई. सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा बेटा, f 0 माइनस h माइनस f 0. ओके लेट्स पुट इट, लेट्स सिंप्लीफाई इट. सबसे पहली बात तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 साइन 2x है यहाँ पे मेरे पास. ओके वेट वेट वेट, f डैश 0 माइनस h, देखो इसकी मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, मुझे प्रॉपर बाय फॉर्मूला ही मूव करना है. इफ़ यू आर गोइंग टू स्किप दिस स्टेप यू कैन जस्ट स्किप दिस, कोई हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेप की. हम लोग यहीं से डायरेक्टली अपने फॉर्मूले पुट करते हैं. सो f 0 माइनस h करेगा 2 साइन, यहाँ से मुझे मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h अपॉन h माइनस 2, बिकॉज मुझे पता है f 0 क्या था मेरे पास, f 0 वॉज सिंपली माई 2 जो यहाँ से मिलता, ठीक है, अपॉन माइनस h. ये आया ओके, इट वुड बी एच स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे मेरा पास स्क्वायर था ना नीचे, यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर था तो एच स्क्वायर आ गया. प्लीज़ इसको 1 मत लेना, साइन एच अपॉन एच को 1 मत ले लेना, बिकॉज 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2 वुड बी 0, 0 अपॉन 0 नहीं चाहिए मुझे फॉर्म. लेट्स अब क्या करेंगे बेटा, एक्सपैंड कर देंगे इसको उठाकर. जब मैंने इसको एक्सपैंड किया आई नो ये आएगा 2 एच माइनस एच एच माइनस एच की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 2 अपॉन माइनस एच. मुझे पता है कि हाँ अपॉन एच स्क्वायर भी था यहाँ पर, सो आई कैन जस्ट राइट, मैं यहाँ पे एच स्क्वायर ले लेती हूँ और यहाँ पे मेरे पास एच की पावर 3 हो जाएगी. ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको इस तरीके से. अब देखो बेटा, इफ़ यू वॉन्ट आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो कैल्शियम लेने के बाद, वरना एच कॉमन ले लो यहाँ से, एच कॉमन आ जाएगा. तो बेसिकली मेरे पास जो बचेगा वो कुछ इस फॉर्म में बचना चाहिए कि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. हाँ ठीक है, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर मेरे पास यहाँ से कैंसिल होगा एंड सिंपल मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी. सिंस माई फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशियबल तो मैं यहाँ से अपने सिंपली m की वैल्यू निकाल सकती हूँ. एक्चुअली वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है ये बार बार जो फूल पत्ती गिर रहा है. लेट्स डू वन थिंग, ये थोड़ा शांत हो जाएगा. ओके ये आ गया मेरे पास. अब देखते हैं बेटा, पहले इसको एक्सपैंड कर दिया मैंने, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन अटक गया है दोबारा एक बार. लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर. सो यहाँ से मेरे पास आया 2
एच को कॉमन लिया, वन माइनस एच स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल माइनस टू, यहाँ पे मैंने ना एच स्क्वायर एज इट इज रख लो, अपॉन में एच चल रहा है, ये और ये मेरे पास कैंसिल हुआ, फिर मुझे पता है यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, टू माइनस एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एच स्क्वायर एक बचेगा, ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, दैट वुड बी वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, दैट वुड बी टू अपॉन एच। अब लिमिट क्या है मेरे पास, एच टेंस टू ज़ीरो है, एच टेंस टू ज़ीरो मतलब कि आंसर मेरे पास ज़ीरो ही आ जाएगा, सो मेरा एम क्या आ गया, एम मेरे पास सिंपल मेरा ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है, हाँ जी सिंपली मेरा एम जो है वो मेरे पास मेरा ज़ीरो आ जाएगा, सो आई कैन सिंपली जस्ट से दैट माई एम इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। सो वट आई कैन से, इसका आंसर क्या होगा, एम प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सो आई विल जस्ट राइट एम प्लस ए प्लस बी प्लस सी, दैट वुड बी ज़ीरो प्लस वन प्लस वन प्लस ज़ीरो, दैट इज़ टू, और ये मेरे पास मेरा आंसर जो मैंने टॉप पे लिखा है। आई होप ये सब क्लियर रहा होगा कि मैंने अपने एम को कैसे ज़ीरो बोल दिया है। इफ़ यू सर्टेनली हैव अ डाउट, आप उठा के ना यहाँ पे, आप अगर ये वाली वर्किंग ना भी करते, इट्स बेटर टू मूव इट, अगर आप ये वाली वर्किंग बेटर ना भी शो करते, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू शो दिस फुल वर्किंग, अगर आप लोग ये वाली वर्किंग शो ना करते तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी ज़ीरो पुट करते तो आप बोल सकते थे कि हाँ ये पूरा का पूरा क्या होगा, मेरा ज़ीरो ही हो जाएगा, तो मेरा एम बेसिकली ज़ीरो हो जाता है यहाँ से। ओके सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट, सो दैट्स इट बच्चा, येस दिस क्वेश्चन वॉज कन्फ्यूजिंग, इवन मैं भी अटक गई आखिरी में आते आते, सो आई वुड से दैट येस दैट क्वेश्चन वर डिफिकल्ट, बट या यू हैव टू डू इट वेरी नाइसली, सो आई विल जस्ट से दैट ट्राई टू सॉल्व इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल रिजॉल्व योर डाउट एट दैट सेम पॉइंट। Till that, bye-bye, take care, and yes, just study hard as much as you can. Bye-bye, my child.